मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यक को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को वो जारी किए गए थे, उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है, यानी कि रद्द करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने इस फैसले को ममता की राजनीति पर तमाचा भी कहा। पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष धर्म के लोगों को दे रही थी। इस दौरान उन्होंने सवाल भी पूछा और कहा कि क्या ये न्याय संगत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति है उस पर माननीय हाईकोर्ट ने तमाचा मारा। हाईकोर्ट ने उन्हें इस दौरान फटकार भी लगाई। शिवराज ने कहा कि सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में लेकर आई और बिना किसी नियम के पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया, उसे रद्द करने का अब फैसला दिया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी की इस फैसले के साथ कलई खुल गई, लेकिन तुष्टीकरण पर उतारू ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले को मानने की बजाय अब ये कह रही है कि ये फैसला नहीं मानती हूँ, ये फैसला लागू नहीं होगा, तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को क्या समझती है? इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, ममता बनर्जी पर कई सवाल दागे और कहा कि क्या वो संविधान के भी ऊपर हैं? आज़ादी के बाद आज तक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानूंगा। ममता बनर्जी ऐसा कैसे कह सकती है? इसके बाद शिवराज ने कहा कि अहंकार और अराजकता की ये पराकाष्ठा है, धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली सीएम को एक दिन भी पद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में है ही नहीं, उन्हें पद पर रहने का, एक दिन भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीन कर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाईकोर्ट ने तमाचा मारा है। हाईकोर्ट से उनको फटकार मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला लिया है। मित्रों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता जी की कलई खुल गई है, लेकिन तुष्टीकरण पर उतारू ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को मानने के बजाय अब वो ये कह रही कि मैं ये फैसला नहीं मानती, ये फैसला लागू नहीं होगा, कि ये संविधान का अपमान नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को समझती क्या है? क्या वो संविधान के ऊपर है? आजादी के बाद आज तक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कभी यह नहीं कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा,
ये अहंकार की और अराजकता की पराकाष्ठा है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।